हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उड़द दाल के डोसे की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी उबले हुए छोले लिए। इनको मैं बारीक बारीक कूट लूँगी। वैसे आप इनको हाथ से भी मसल के इनका पेस्ट सा बना सकते हैं। और तीन मैंने आलू लिए थे उबले हुए, तो इनको भी मैं से थोड़ा थोड़ा कोट लूँगी इस तरह से। और सुबह मैंने उड़द की एक डेढ़ कटोरी मैंने दाल भिगो के रख दी थी, तो अब वो अच्छे से फूल चुकी है। दाल को भिगोया था मैंने 9 बजे और अब बच चुके हैं 3, तो मैं उसका पानी निकाल के और उसको मिक्सी जार में उनका पेस्ट बना लूँगी। और इधर ये मेरे छोले और आलू दोनों अच्छे से कूट चुके हैं, और इनको मैं दोनों को मिक्स करके और इनकी सूखी सब्जी टाइप सी बना लूँगी जो आप उसमें डोसे में भरते हैं, पता ही आपको। लेकिन तरीका वही बात है कि सबका अलग अलग होता है। आप अकेला आलू भी यूज कर सकते हो या मटर भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो मैं इसके अंदर छोले और आलू ही ले रही हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और इधर मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया और इसके अंदर तेल डाल दिया, सरसों का तेल। आप घी या रिफाइंड भी ले सकते हो। और ये मेरा बैटर तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको मैं थोड़ा सा और पानी डाल लूँगी। और इसके अंदर 1 छोटा चम्मच मैं पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। और इधर मैंने मेरा तेल गर्म हो चुका था, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल दिया। और जीरा डालने के बाद जैसे ही मेरा जीरा भुना, तो मैंने ये सब्ज़ी डाल दी उसके अंदर। इसके अंदर मैंने प्याज टमाटर और कुछ नहीं डाला, सिर्फ जीरा और सब्ज़ी छोले और आलू। और इसके अंदर मैं सूखे मसाले डाल दूँगी। इसको तेल में अच्छी तरह मिलाने के बाद इस तरह से मैं इसको डालूँगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला मैजिक लिया था, और आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, जिससे थोड़ी सी सॉफ्ट मिल जाएगी। और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैंने डोसे के बैटर में भी डाला हुआ है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और तब मेरा मसाला पक जाएगा, तो मैं इसको बंद कर दूँगी। इधर मैंने बैटर बनाने के बाद मैंने 5 मिनट के लिए अपना दाल का पेस्ट रख दिया था, और रखने के बाद वो थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो गया। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम पीस के रखते हैं तो वो बाद में थोड़ा सा होता ही है। ये देखिए, और इधर मैंने पैन चढ़ा दिया है, नॉन स्टिक पैन है ये मेरा। और मैंने इस पर थोड़ा सा तेल लगा दिया, अच्छे से ग्रीस कर लिया तेल को मैंने। और फिर थोड़ा सा पानी का छिड़का दे के हाथों से ही और अच्छे से कपड़े से मैं इसको पोंछ दूँगी। इससे उस जो तवा जितना मेरा गर्म हुआ था वो एक बार फिर से थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और उसी वक्त मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बैटर डाल दूँगी। और कटोरी, छोटी कटोरी की सहायता से या फिर आप चम्मच भी ले सकते हो, चम्मच से डाल के और उसी के साथ इसको धीरे धीरे से फैला दें, बिल्कुल पतला कर लें।
इस तरह से, और बिल्कुल कम आंच पे, अगर तेज़ आंच रखोगे तो ये एकदम नीचे से तो जल जाएगा और ऊपर से ये कच्चा रह जाएगा। तो गैस मैंने कम कर दिया और ये इसको फैला लिया, ऊपर से थोड़ा सा मैं तेल डाल दूँगी उसके ऊपर, इस तरह से ये पूरे के ऊपर फैल जाएगा। गैस देखो मेरा बिल्कुल लो है, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखी सब्जी इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, तब ये ऊपर से पक जाएगा अच्छी तरह से, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसे पता ही चल जाता है कि अभी अच्छे से पक चुका। और इसको मैं धीरे से दोनों तरफ से ऐसे मोड़ के दबा दूँगी और ये डोसा मेरा तैयार। इसी तरह से मैं अपने जितना मेरा बैटर है सारे डोसे बना के मैं तैयार कर लूँगी। पानी का छिड़का बार बार देना पड़ेगा, और पानी का छिड़का देते ही साथ उसी कपड़े से मैं इसको फिर से पोंछ दूँगी, और पोंछने के तुरंत बाद मैं इसके ऊपर फिर उसे बैटर डाल दूँगी। अब की बार मैंने चम्मच लिया, कटोरी से अच्छे से फैल नहीं रहा था, इस तरह से देखो कितना अच्छा, इस तरह से बिल्कुल पतली लेयर। और बैटर अगर आप चाहे तो और भी ज़्यादा पतला कर सकते हो, जितना आप पतला करोगे उतना ही अच्छा डोसा बन के तैयार होगा। और आप चाहो तो इस उड़द दाल के अंदर जब इसका पेस्ट बनाओ तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हो, चने की दाल का आटा, और या आप थोड़ी सी मैदा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अकेला ही उड़द दाल लिया है बस। ये देखिए अच्छे से मेरा पक चुका है, ब्राउन ब्राउन सा ऊपर से कलर देखने लगे तो समझो ये पक चुका है, और नीचे चिपकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे लोहे के उस पे तोवे पे तो मैंने कभी बना के नहीं देखा है, वैसे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। देर तो लगती है थोड़ी सी पकने में, क्योंकि गैस बहुत ही सिम पे किया हुआ है मैंने और तेज़ कर नहीं सकती। पकने के बाद इसके ऊपर मैं फिर थोड़ी सी सब्जी डाल दूँगी और फिर इसको ऐसे रोल कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं ये, और अगर आप और तरीके से बनाते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, हर बार बनाती हूँ तब, लेकिन बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। सब्जी आप चाहो इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो, धनिया पत्ता भी डाल सकते हो, लेकिन धनिया अगर मैं डाल दूँ तो हमारे बच्चे खाते नहीं। और सब्जी मैंने अभी लेके नहीं आई थी मैं, तो इसलिए मेरे पास सिर्फ आलू और छोले रखे थे, मैंने उन्हीं से बना लिया। ये देखिए इस तरह से। हाँ बेटा कर रही हूँ, ये देखिए। हाँ बेटा इस तरह से पूरे के ऊपर मैं इसको फैला, और तब 3-4 बजे से हल्की सी भूख लगती है तो ये फटाफट तैयार, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है। हाँ दाल थोड़ी 2-3 घंटे पहले भिगोनी पड़ती है, वरना बाद में बनाने में तो इसमें 15-20 मिनट लगती नहीं है बिल्कुल। और अच्छा सा खाना बन के तैयार होता है छोटी मोटी भूख के लिए। तो और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी दिखाते हो, अगर लाइक का बटन दबाते हो तो मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ भाई मैंने बनाई थी तो शायद किसी को पसंद तो आई और उसमें कोई बैलेंस तो लगता नहीं है, नहीं सब्सक्राइब करने में लगता है। हाँ 5-7 मिनट की जो मैं वीडियो डालती हूँ वो समय तो आपका लगता ही है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप और कुछ देखना या कुछ बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी वही बनाने की। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता ही है, बहुत ही करारे करारे बनते हैं, कभी बना के देखना ज़रूर है।